स्टोरी से जो मेरे को मार्केटिंग लेसन सीखने को मिले वो ये थी कि जब भी आपकी सेल डाउन होते किसी भी रीजन से, तीसरा लेसन जो इस स्टोरी से मेरे को सीखने को मिला वो यही था कि जो आपका एड ऑन होना चाहिए, जो आपका प्रमोशन होना चाहिए, जो आपका ऑफर होना चाहिए, यह कंपनी 1970 के दशक की टॉप अप्लायंसेस ब्रांड में से एक थी, लेकिन 1980 आते आते थोड़ा कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ तो इसका मार्केट शेयर थोड़ा कम होना शुरू हुआ, तो वहां पे सेल कम होनी शुरू हुई। तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक करी जो ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग करते हैं जब उनकी सेल डाउन होने शुरू हो जाती है किसी भी रीजन से, रिसेशन हो या प्रोडक्ट शिफ्ट हो या कंपटीशन की वजह से, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक सिचुएशन में हम जो डिसीजन लेते हैं ज्यादातर डिसीजन वो आत्मघाती होते हैं। तो उस दौरान एक मार्केटिंग और ट्रैवलिंग एजेंसी ने इस कंपनी से कॉन्टेक्ट किया और कहा कि उनके पास एक ऐसा प्रमोशनल आइडिया है जिससे इनकी सेल एक तरह से रॉकेट की तरह बढ़ेगी। वो आइडिया कुछ ऐसा था कि अगर कोई भी पर्सन 100 pounds से ज्यादा का कोई वॉशिंग मशीन लेता है या वैक्यूम क्लीनर लेता है तो उसके साथ 2 tickets एयरप्लेन की, 2 tickets अमेरिका या यूरोप की फ्री देना था। 1980-90 के दशक में जो एयरलाइंस की टिकट होती थी वो काफी महंगी होती थी, तो जो इनका टोटल रेवेन्यू आना था प्रमोशन से उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा तो इनका जो एक्सपेंसिव हो जाना था एयरलाइन टिकट पे वो हो जाना था। तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने क्या तर्क दिया कि बहुत कम ऐसे कस्टमर होंगे जो इस ऑफर को रिडीम करेंगे और जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो कंपनी के सीईओ को ये प्लान बड़ा पसंद आया, उसके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन अगर सीईओ को पसंद था तो उसने इस पे जाने के लिए वो तैयार हो गया, इसमें आगे प्रोसेस करने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली और इस प्लान को एक बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रमोट किया। फिर कुछ टाइम बाद ये प्लान, जैसे ही ये मार्केटिंग कैंपेन मार्केट में आया, न्यूज़पेपर में छापा, टीवी पे आया, तो एकदम से बहुत ज्यादा सेल उनकी बढ़नी शुरू होगी। बीच में न्यूज भी आई कि अभी तक किसी भी कस्टमर को एयरलाइन टिकट नहीं मिली है। लेकिन जब आपके दिन सही चल रहे होते हैं तो गलत न्यूज भी कभी कभी आपकी सेल बढ़ा देती है। इस न्यूज ने भी नेगेटिव इफेक्ट की जगह पॉजिटिव इफेक्ट डाला और सेल और ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि इसने अवेयरनेस फैलाई उनके कैंपेन के प्रति। लेकिन जैसे ही सेल बढ़ना शुरू हुई तो उसके साथ साथ कंप्लेंट्स भी बढ़ना शुरू हुई और जो वाचर की डिमांड थी वो भी बढ़ना शुरू हुई, टिकट की डिमांड भी बढ़ना शुरू हुई, तो कंपनी के लिए और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए उसको पूरा करना मुश्किल होने लगा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने बहुत जोर लगाया कि आप टिकट की जगह होटल रूम ले लीजिए या किसी और तरह के इंश्योरेंस ले लीजिए, लेकिन कस्टमर मानने वाले नहीं थे, उनको तो टिकट चाहिए थी उस वक्त। तो ये कंप्लेने बढ़ने लगी, जिस तरह बुरे दिन हमेशा नहीं रहते उसी तरह अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते। तो नेगेटिव फीडबैक आने लगा, जो रिपोर्ट्स आने लगी मार्केट में, न्यूज कवरेज जो होने लगी उससे नेगेटिव इफेक्ट बढ़ने लगा। बीच में एक बहुत ही बड़ा किस्सा हुआ कि एक हॉर्स ट्रेनर था, उसने वॉशिंग मशीन ली थी तो उसके वहां पे कुछ खराबी आ गई, तो उसने कंपनी से रिपेयर के लिए पर्सन मंगाया। तो ऐसे ही जनरली बात चल रही तो उसने कह दिया कि मेरी एयर टिकट अभी नहीं आई है। तो रिपेयर करने वाला पर्सन भी थोड़ा अच्छे मूड में नहीं था, तो उसने भी थोड़ा बेबाक जवाब दे दिया कि अगर आपको लगता है कि एक वॉशिंग मशीन लेने के साथ आप 2 अमेरिका की टिकट ले लेंगे तो आपसे बड़ा उम्र कोई नहीं है। इस बात पे उस हॉर्स ट्रेनर को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया कि जिस वैन में वो रिपेयर वाला आया हुआ था उसके आगे अपनी घोड़ा बोगी हटा दी, जिससे जो रिपेयर पर्सन है उसको अपने घर तक पैदल चल के जाना पड़ा। तो उस हॉर्स ट्रेनर ने ऐलान किया कि जब तक मेरी हेयर टिकट नहीं आएगी मैं इस वैन को नहीं जाने दूंगा। तो वहां पे वो लोकल हीरो बन गया, उसको काफी लाइमलाइट मिली वहां पे। तो जो ये न्यूज कवरेज हुई, नेगेटिव फीडबैक आई, इनसे कंपनी की रेपुटेशन को भी काफी डैमेज हुआ। जो कंपनी थी उसकी सेल तो अप हुई, उसको कम से कम 30 million pounds की वहां पे सेल्स रेवेन्यू मिला उस प्रमोशन की वजह से, लेकिन जो एयर टिकट से उसका, जो उसका भुगतान करने के बाद जो उसका खर्चा आया वो केवल एयर टिकट टिकट पे कम से कम 50 million pounds का उसका खर्चा आ गया, मतलब 20 million pounds उसको वहां पे लॉस हुआ। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। लेकिन इस स्टोरी से जो मेरे को मार्केटिंग लेसन सीखने को मिले वो ये थी कि जब भी आपकी सेल डाउन होते किसी भी रीजन से तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अजम्पशन की बजाय फैक्ट पे ज्यादा जोर लगाना है। और दूसरा, सीईओ के आसपास बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जो उसको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, हम बेसिकली उनको इग्नोर कर जाते हैं और ये हमारी ईगो होती है जो हमें कहते हैं कि अगर मैं उसकी बात मान लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूं, क्या उसको मेरे से ज्यादा पता है। तो ये बहुत सारी बातें हो जाती है जिनकी वजह से हम अपने आसपास के लोगों की बात नहीं मानते, तो वो हमें एक गलत डायरेक्शन में ले जाती है।
ऐसा नहीं है कि हम हर किसी की बात मान ले, लेकिन एटलीस्ट हमें उन सब की बात मानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमसे ज्यादा समझदार है। और तीसरा लेसन जो इस स्टोरी से मेरे को सीखने को मिला वो यही था कि जो आपका एड ऑन होना चाहिए, जो आपका प्रमोशन होना चाहिए, जो आपका ऑफर होना चाहिए, वो कभी भी जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब ये आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म वहां पे कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपकी सेल बढ़ाने में बड़ा उपयोगी रहता है। आप भी इन लेसन्स को अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे आपका बिजनेस एक स्टेबल ग्रोथ आपके लिए ला सकता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।